माला सिंह हेयर, कैसे हो आप सब एंड प्रिपरेशन कैसे है आपकी? पेपर्स आ चुके हैं, एक्साइटेड हो, नर्वस हो, प्लीज़ मुझे बताना. ओके एंड या जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये है आपका कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यूजेस. तो कन्वेंशनल क्या होता है, अनकन्वेंशनल क्या होता है, मैं बताऊँगी. मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं बताने के लिए हूँ, मैं बताऊँगी. तो कन्वेंशनल यूज़ होता है जैसे कोई भी प्रोडक्ट जिस काम के लिए बना है और आपने उसे एज इट इज़ परचेज किया है. ओके, अनकन्वेंशनल यूज़ की जो भी कोई चीज़ आपने परचेज की है, जब वो ख़राब हो जाती है या फिर जब वो रीयूज़ नहीं हो पाती या फिर आप उसे बार बार यूज़ नहीं कर पाते, तो आप उसको अनकन्वेंशनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो. सपोज़ अ बॉटल, मेरे साथ तो स्पेशली होता है कि जो भी बॉटल्स होते हैं, अगर पानी पीने वाला बॉटल मैंने ख़रीदा और वो पानी पीने वाला बॉटल वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट मीन्स कि उसका यूज़ हो चुका है और अब उसका क्या करें, तो बहुत सारे लोग फेंक देते हैं. बट मैं नहीं फेंकती, मैं उसको काट के उसमें मिट्टी वगैरह डाल के और उसमें प्लांट लगा लेती हूँ. जैसे कि ये वेट लेशन, ये देखती, ये भी कुछ इसी तरीके का है. ओके, तो इसमें भी मैंने यही किया है. पहले ये एक बॉटल था, के बाद इसका यूज़ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको काट के इसमें प्लांट लगा लिया. तो ये हो गया एक अनकन्वेंशनल यूज़ एक बॉटल का. ओके, एंड इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट को दे सकते हैं. सपोज अ क्लेचर और अ कप, कुछ भी एक प्रोडक्ट दे देंगे और उसका अनकन्वेंशनल यूजेस पूछेंगे आपसे. तो आपको सोचना है कि आप उसको सस्टेन कैसे कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए. क्या आप उसके में कुछ एलिमेंट्स ऐड करके या फिर किसी पार्ट को रिमूव करके क्या उसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं? तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा एंड देन उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा पेपर. ओके, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ बॉटल और हेडफोन और आयन. किसी का भी आए तो आपको बस याद रखना है कि कुछ पार्ट को आप रिमूव भी कर सकते हो और उसके सिल्वेट को चेंज नहीं कर सकते. ओके, तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यूजेस. सो मेक श्योर मेरे साथ एंड तक रहना वीडियो में. एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना. एंड या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन गाइस, विदाउट एनी. सो लेट्स डू कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ एनी प्रोडक्ट, लेट्स गो. तो ये है आज का क्वेश्चन, ड्रॉ टू अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ अम्ब्रेला. तो एक अम्ब्रेला को आप डेली के बेसिस पे कैसे यूज़ करते हो, लाइक बहुत ज़्यादा धूप होता है तब या फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है तब. बट व्हाट इफ़ आई से कि अगर अम्ब्रेला का कोई और भी यूजेस है, लाइक इसके अलावा यूजेस, जिस काम के लिए वो बना हो उसके अलावा अगर यूज़ कर रहे हो तो वो अनकन्वेंशनल यूज़ होगा. जैसे इस वाले ड्राइंग में मैंने अम्ब्रेला को एज अ पोट यूज़ किया है, फ्लावर पोट. उसके अंदर भी मिट्टी डाल के हम प्लांट उगा सकते हैं. ओके, एंड सेकेंड में एक बर्ड हाउस बनाया है अम्ब्रेला से जिसमें बर्ड स्टे कर सकते हैं. बट गाइस ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा भी अम्ब्रेला का हम बहुत सारे वे में यूज़ कर सकते हैं. अगर आप उससे किसी एनिमल को मारते हो या आंट को मारते हो या कुछ भी हिट करते हो आप, तो किसी बच्चे को मम्मी मारती है छाते से, तो वो भी एक अनकन्वेंशनल यूज़ होगा अम्ब्रेला का. ओके ओके, सो अगर दो कन्वेंशनल यूजेस आ जाए तो आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, और थ्री और फोर आ जाए तो आप अच्छे से कलर कर देना उसमें, अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो. ओके, बट मेक श्योर कि वो बहुत पैची, बहुत ही रफ ना लगे, अच्छे से कलर अप्लाई करो. स्मजिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हो जस्ट लाइक आई एम यूजिंग, और इसके अलावा भी टेक्निक्स है जिनका आप यूज़ करके अपने ड्राइंग को बहुत अच्छा दिखा सकते हो. ओके, एंड मेक श्योर गाइस कि कलर्स आप अच्छे सेलेक्ट करो, लाइक ब्राइट, शाइनिंग और जो आई कैची कलर्स होते हैं. ओके, अगर आपको कोई सिंपल प्रोडक्ट दिया है एंड उसका अनकन्वेंशनल यूजेस पूछा है, तो मेक श्योर आप थोड़ा सा कॉम्पोजिशन के साथ ड्रॉ करो, कुछ और भी एलिमेंट्स उसके आसपास बनाओ ताकि वो एक खाली ना लगे, ऐसा ना लगे कि जितना आपको बोला गया उतना ही है. बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाना पड़ता है, अच्छा दिखाने के लिए और ये भी दिखाने के लिए कि हाँ आपको एक कॉम्पोजिशन का भी थोड़ा नॉलेज है. ओके, सो इसके अलावा भी मैंने एक दो और आपको दिखाया है बना के, तो वो भी आप एक बार देख लो. आयन है, आयन का एक अनकन्वेंशनल यूजेस में आप मैंने ब्रेड दिखाया टोस्ट करते हुए, देन एक ज्वेलरी बॉक्स, देन आप एक बॉटल का अनकन्वेंशनल यूज़ दिखा सकते हो जस्ट लाइक आई एम शोइंग यू, आपका डिफरेंट हो सकता है. ओके, सो हियर इज द असाइनमेंट गाइस, आई होप यू डू एंड टैग अस. That's it for this video guys. कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना. एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू पीपल, सो आई होप कि आपको हेल्प करे आपकी प्रिपरेशन में. अनकन्वेंशनल यूजेस और कन्वेंशनल यूजेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो मुझे प्लीज़ बता देना. ओके, एंड या डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव हैप्पी प्रिपरेशन. टाटा.